और कार और बाइक रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा कुशक का पूरा सर्विस कॉस्ट। तो पूरे डिटेल में सर्विस और एएमसी कॉस्ट जानने के लिए आप वीडियो में बने रहे। उससे पहले हम थोड़े स्कोडा कुशक के थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। हाल ही में लॉन्च हुई स्कोडा कुशक जो एक शोरूम प्राइस 10.5 लाख से लॉन्च हुई है, वो अभी जो हॉट मिड साइज एसयूवी सेगमेंट चल रहा है उसे टारगेट कर रही है। उसी सेगमेंट की मार्केट लीडर कहलाने वाली गाड़ी जो है कि क्रेटा, उसकी ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होने वाली है, ऐसा कंपनी का कहना है। और मुझे लगता है कि ये लोग ये गाड़ी को लेके मतलब ये बहुत ही सीरियस है, क्योंकि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये लोग कम से कम 3 से 4 हज़ार यूनिट पर मंथ बेचेंगे ये गाड़ी के, जो मोटा मोटा 10% होगा अगर हम क्रेटा की सेल से कंपैरिजन करें तो। मतलब कि अगर ये गाड़ी सक्सेसफुल होती है तो ये अच्छा खासा मतलब बोलते हैं ना क्रेटा का मार्केट खा लेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो के बारे में रिसर्च करते टाइम मुझे मतलब कि जो स्कोडा के इंडिया का हेड है उनका एक मुझे ट्वीट मिला। वहाँ पर ट्वीट में एक कस्टमर आर्ग्यू कर रहे थे कि इस गाड़ी की प्राइस 10.5 लाख क्यों है, आपको इसे थोड़े कम है मतलब कि 9 या 9.5 लाख में बेचनी चाहिए, ऐसा उन कस्टमर का ट्वीट था जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इसका रिप्लाई देते हुए स्कोडा के हेड ने क्या बोला वो देखिए आप। उन्होंने कहा कि इसका जो बेस वेरिएंट है एक्टिव वाला वो एकदम वैल्यू फॉर मनी है, अपने 10.5 लाख को वो जस्टिफाई करता है। और एक उन्होंने इम्पोर्टेंट बात कही है कि अभी वो गाड़ी को इंडिया में ही बनाने वाले हैं, जिससे पार्ट्स वगैरह वो लोकली सोर्स कर पाए, जिससे कि सर्विस कॉस्ट गाड़ी की 23% तक कम हो जाए, जिससे वो अपनी सेगमेंट की गाड़ियों के साथ ज़्यादा कम्पीट कर सके। इसीलिए दोस्तों, अभी हम डिटेल में देख लेते हैं सर्विस कॉस्ट और बाकी अदर कॉस्ट जो है। स्कोडा कुशक दो इंजन वेरियंट्स में आती है, 1 लीटर TSI और 1.5 लीटर TSI। दोनों में एक डिफरेंस है कि आपने जैसे वो ट्वीट में पढ़ा था कि जो 1 लीटर जो इंजन है उसे ऑलमोस्ट लोकलाइज करने वाले हैं वो लोग, इसीलिए जो 1 लीटर का जो इंजन है उसमें ऑलमोस्ट 95% जो पार्ट्स है वो लोकली मिल जाएगी, जो हमें इनडायरेक्टली बता रहा है कि जो 1 लीटर इंजन है उसकी सर्विस कॉस्ट कम होने वाली है, क्योंकि 95% जो उसके पार्ट्स है वो लोकली अवेलेबल है। इसी कंपैरिजन में जो दूसरा इंजन है वो 1.5 लीटर का TSI इंजन है, तो ये इंजन में भी उतना ही फर्क है कि इसके जो पार्ट्स है वो लोकली प्रोड्यूस नहीं होते हैं, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं वो बाहर से मंगाए जाते हैं, इंडिया में नहीं मिलते। इसका मतलब एक ही बनता है कि जो मतलब कि पार्ट्स होते हैं इंजन में यूज़ होने वाले वो बाहर से आते हैं ज़्यादा करके, और जो लोकल पार्ट्स है वो थोड़े कम यूज़ होने वाले हैं इस इंजन में, जिससे आपकी सर्विस कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी 1 लीटर के इंजन के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, बेसिकली 3 टाइप के सर्विस प्लान्स हैं स्कोडा कुशक के 1 लीटर इंजन के लिए। तो मैं ये जो सर्विस प्लान्स आपको बता रहा हूँ ये 1 लीटर इंजन के लिए है, 1.5 लीटर इंजन के लिए नहीं, क्योंकि अब तक कंपनी ने खाली 1 लीटर इंजन के लिए जो सर्विस कॉस्ट है वो ही रिवील किए, 1.5 लीटर के लिए इतना डेटा अवेलेबल नहीं है। 1 लीटर इंजन के सर्विस प्लान्स इस प्रकार से है। पहला है सुपर केयर स्टैंडर्ड पैकेज, इसे आप सबसे बेसिक या नॉर्मल सर्विस भी कह सकते हो, जो हर नॉर्मल गाड़ी की सर्विस होती है वैसे ही। इसी तरह से जो दूसरा जो प्लान है वो बस पिछला जो प्लान है उसका एक स्टेप अप है, और इस पैकेज का नाम है सुपर केयर एनहांस्ड। तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि गए वाले प्लान का था सुपर केयर स्टैंडर्ड और इसका है सुपर केयर एनहांस्ड, मतलब कि थोड़ी सी एनहांस्ड कर दी है स्टैंडर्ड सर्विस को। और ये प्लान में भी सेम आपको गए प्लान के बेनिफिट से मिलते हैं, जैसे कि बेसिक सर्विस, बट एडिशनली इसमें मतलब कि थोड़ी और चीज़ें ऐड हो जाती है, विच इंक्लूड्स ब्रेक डिस्क, ब्रेक पैड्स, और जो अपने नॉर्मल जो वाइपर ब्लेड्स होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं ये सर्विस में। तो जैसा आप देख सकते हो पिछले प्लान से, बस मतलब कि आप कंपैरिजन अगर करना चाहो तो पिछले प्लान्स के कंपैरिजन में इसमें बस आपको 3 एक्स्ट्रा चीज़ें कवर हो जाती है। और आखिरकार अभी जो लास्ट प्लान है वो है सुपर केयर कॉम्प्रिहेंसिव, और ये प्लान में जो पिछला जो इन्हेंस्ड का प्लान था वो भी इंक्लूड हो जाता है, और इसके साथ में एडिशनल 2 चीज़ें आपको मिलती है सिमिलरली जैसे कि जो बेस पैकेज में था। तो दोस्तों, सिंपली ये प्लान के बारे में बताना चाहूँ तो आपको लास्ट जो दोनों प्लान है वो दोनों ऐड हो जाएंगे ये प्लान में, उसके साथ में एडिशनली आपको जो है बोलते हैं ना क्लच प्लेट और बैटरी वो भी कवर हो जाएगी ये जो एंड वाले प्लान है उसमें।
तो चलिए अब ये सब जो प्लान है उनके एस्टिमेटेड प्राइजेस देख लेते हैं। बट प्राइस बताने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो सब प्लान्स है वो प्रीपेड प्लान्स है। प्रीपेड प्लान्स का मतलब है कि जो आपको जो अमाउंट होता है वो पहले ही पे करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब जब सर्विस पे लेके जाओगे वहाँ पर ऐसे प्राइजेस पे करोगे, तो इसलिए पहले ही क्लेरिफाई कर देता हूँ वो वाला डाउट। तो इसी प्रकार से जो सुपर केयर स्टैंडर्ड जो बेस पैकेज है प्लान, उसका प्राइस होगा रफली 27,500। और दोस्तों सब जो प्राइसेस बता रहा हूँ मैं जो आपको, वो रफ़ एस्टिमेशन है, मतलब रफ़ प्राइसेस है, ऊपर नीचे हो सकता है। और अब जो सुपर केयर एनहांस्ड वाला प्लान है उसकी प्राइस रफली हो सकती है 36,500। और जो लास्ट वाला प्लान है सुपर केयर कॉम्प्रिहेंसिव, उसकी प्राइस भी रफली 52,000 हो सकती है। और ये प्लान्स का ड्यूरेशन या टाइम प्लान 4 ईयर्स या 60,000 किलोमीटर्स तक वैलिड है। और अभी अगर हम सर्विस शेड्यूल की बात कर ले, सर्विस शेड्यूल मतलब कंपनी जब बोलती है मतलब कि जो पार्ट कभी रिप्लेस करने हैं उसके बारे में, उसमें बताया गया है कि स्पार्क प्लग 60,000 किलोमीटर्स या 4 साल उससे पहले रिप्लेस करना है। इंजन ऑयल और इंजन ऑयल फिल्टर आपको 1 साल या 15,000 किलोमीटर से पहले चेंज करवाना होगा। और जो एसी फिल्टर है उसे भी मतलब कि सेम टाइम ड्यूरेशन में ही रिप्लेस करना होगा, जैसे कि इंजन ऑयल और इंजन ऑयल फिल्टर। और लास्ट में बस ब्रेक फ्लूइड और एयर फिल्टर को हर 30,000 किलोमीटर या 2 साल के पहले आपको चेंज करवाना होगा। और जो कूलेंट, फ्यूल फिल्टर और जो ट्रांसमिशन फ्लूइड है उन्हें फर्स्ट 10 ईयर्स तक भी रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी अगर पर सर्विस कॉस्ट की बात करें तो फर्स्ट सर्विस तो यूजुअली जो होते हैं वो जनरल इंस्पेक्शन ही होती है। जनरल इंस्पेक्शन में बेसिकली कार वॉशिंग और थोड़ी पार्ट्स टेस्टिंग हो जाएगी, इसीलिए आप जो फर्स्ट ईयर के सर्विस कॉस्ट है उससे जीरो या नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल ही समझिए। अब हम अगर सेकेंड ईयर सर्विस की बात करते हैं तो उसमें जो बेसिक सर्विस होती है उसकी कॉस्ट अगर हम इंक्लूड करें तो वो होती है 3,200 के ऊपर। बट इसमें व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम उसके भी ज़्यादा से ज़्यादा 3,500 तक भी ऐड करते उन दोनों का कॉस्ट, तो टोटल होगा 6,700। और इस कॉस्ट में हम एक मेजर कॉस्ट इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं जो है लेबर का। लेबर ऐसे कार कंपनीज का यूजुअली एक्सपेंसिव ही होता है, बट आपको एक बेनिफिट है कि लेबर चार्जेस फर्स्ट ईयर के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। उसका मतलब है कि नेक्स्ट ईयर से आपको एडिशनली लेबर का भी कॉस्ट पकड़ के चलना होगा। और अभी लेबर का भी कॉस्ट पकड़ के जो नेक्स्ट जो भी ईयर्स होते हैं रिमेनिंग ईयर्स, उनमें कितना आपको सर्विस कॉस्ट आएगा उसका एक एस्टिमेशन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6,200। और ये जो मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूँ ये विदाउट व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट की है। अगर आप वो भी इंक्लूड करोगे तो टोटल कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपको चाहिए कि आप थोड़ा सस्ते में काम निकाल लो तो आप जो है बाहर जो सर्विस शॉप्स है उनमें भी बहुत ही चीप में हो जाता है व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट। और उस काम की भी क्वालिटी कंपनी से ज़्यादा तो नहीं, मतलब कंपनी के लेवल की ही होगी वो, तो हम कह सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो शेड्यूल के बारे में, उस शेड्यूल में जो जो कंपोनेंट्स रिप्लेस हो रहे हैं उनकी भी एडिशनल कॉस्ट उस सर्विस में लग जाएगी वो पार्ट्स के। और दोस्तों ये जो प्राइजेस है ये बहुत ही रिजनेबल और कॉम्पिटिटिव प्राइजेस है। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो कंपनी ऑयल यूज़ करती है वो भी सिंथेटिक ऑयल करती है, ये जो प्राइजेस मैंने बताई है सर्विस के उसमें। और अभी हम अगर एक नॉर्मल कंपैरिजन कर लेते हैं एएमसी और ये जो सर्विस कॉस्ट है उसके बीच में, तो मैं तो बोलता हूँ कि आप हमेशा एएमसी प्रिफर करिएगा। बिकॉज मैंने जो जो सर्विस कॉस्ट जो बताई है उसमें जो नॉर्मल जो पार्ट्स होते हैं ब्रेक पैड, क्लच प्लेट्स, वो सब के कुछ प्राइस इंक्लूड नहीं किए हैं मैंने। जिससे क्या होगा कि अगर आप ये सब पार्ट्स जो नॉर्मल सर्विस है उसमें आप चेंज कराने जाओगे तो आपके सर्विस कॉस्ट में मार्जिनल डिफरेंस आ जाएगा। इन्हीं सब रीजंस के वजह से अगर आपको बजट अलाउ करता है तो आपको एएमसी ही प्लान लेना चाहिए, क्योंकि बाद में कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं रहता है कॉस्ट को लेके। और जाने से पहले आपके जो भी सजेशंस या क्वेरीज है वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को और मेरे चैनल को आपका सपोर्ट दिखाने के लिए प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, जिससे मुझे अपने वीडियो का फीडबैक डायरेक्ट व्यूअर से मिल जाए, जिससे आपके लिए मैं फ्यूचर में और अच्छी वीडियोस बना सकूं। और थैंक्स ये वीडियो एंड तक देखने के लिए, और आपका दिन शुभ हो। बाय।